प्यारे देशवासियों, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, सभी डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स और सभी कानूनी अधिवक्ताओं को सच्चत नमन। आज 14 अप्रैल 2021 का दिन है और आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आज जयंती है, जिन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन गठन किया जिसको 26/11/1949 को ड्राफ्ट किया गया और 26/1950 को इस देश को सौंपा गया उनके द्वारा। अब मैं बताऊंगा कि इस कानून की आड़ के अंदर कुछ लोग आज भी किस किस तरह की हरकतें करते हैं। हमारे सामने एक आया कि एक विषय बहुत ही सबूतों के साथ कि एक व्यक्ति ने अपनी जान माल परिवार की सुरक्षा के लिए कंप्लेंट करी और प्रधानमंत्री कार्यालय में कंप्लेंट करी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने उस कंप्लेंट को रजिस्टर्ड किया और संबंधित पुलिस के विभाग को इंक्वायरी के लिए मार्क किया। उसके बाद आदरणीय होम मिनिस्टर ने साहब ने भी इसको अपने हाथ के लिखे हुए लेटर्स के साथ मार्क किया। अलग अलग 3-4 स्तर के DCP स्तर के अधिकारियों ने इसमें जाँच करी। ये बताने के बाद बड़ा ही आश्चर्य होता है कि सभी तरीके से एक गोलमोल अपराधियों को बचाने का प्रयास किया गया और एक चीज इतनी बढ़ती चली गई क्राइम के अंदर कि पहले तो वो क्राइम हुआ जो सरकारी वर्दी के अंदर बैठे हुए लोगों ने क्राइम किया, फिर कम से कम 40 से ज्यादा सेक्शंस पे उन्होंने अपराध किया और फिर जैसे जैसे वो कंप्लेंट और माध्यम उस कंप्लेंट का माध्यम सीनियर अधिकारियों के और अलग अलग एजेंसियों तक जाता रहा, तब सामने बात बड़ी रोचक आई कि जहां जहां वो कंप्लेंट जाती गई हर आदमी उनके नीचे काम करने वाले व्यक्तियों ने उस कंप्लेंट के ऊपर सौदा किया कि कैसे उस कंप्लेंट को विड्रॉ कराया जाए, वीक किया जाए और अपराधियों को बचाया जा सके। और इसके लिए उन्होंने रेपुटेशन खराब करने का प्रयास करा विक्टिम की कंप्लेंट के ऊपर और उसकी फैमिली के प्रति, और हर वो हथकंडा बनाया कानूनी, जिस कानूनी या गैर कानूनी जिसका वो इस्तेमाल करके उस कंप्लेंट को रोकना चाहते थे। लेकिन विक्टिम हार नहीं माना, जैसे जैसे कंप्लेंटें आगे बढ़ती गई और आगे आगे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचती गई, अलग अलग इंक्वायरियां मार्क होती हुई, आदरणीय एक्स होम मिनिस्टर तक भी ये बात पहुंची, उनके कार्यालय द्वारा AKP सिंह उनके PA थे, उन्होंने भी इसे संज्ञान लिया, LG साहब के यहां भी ये पहुंची। अब ये बात देखने को आई कि पुलिस की स्टोरी में बदलाव आने लगा। इससे साफ साफ हुआ जब इस बात का पूरा जानने का प्रयास किया गया तो रिकॉर्डिंग बंद करवा के मोबाइल की जो दोषी पुलिसकर्मी थे उन्होंने बताया कि हमारे को बहुत सारे सीनियर अधिकारियों को जांच के नाम पर पैसा देना पड़ा है, इस केस से जुड़े हुए लोगों को एक्सोजन मनी देनी पड़ी है कि भाई वो हमारे अपराध को छुपाए रखेंगे और ये लड़ाई लड़ना तुम्हारे लिए फिजूल है, क्योंकि तो कल तक अपराध करने वाले सिर्फ हम 5 आदमी थे लेकिन अब हमारे साथ ये 100 से ज्यादा का आंकड़ा हो चुका, क्योंकि जिन जिन लोगों ने इस इंक्वायरी के अंदर हमारे को क्लीन चिट दी है, भविष्य में अगर ये इंक्वायरी आगे बढ़ेगी और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट तक पहुंचेगी तब ये लोग भी इस अपराध का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जिस आदमी ने अब इंक्वायरी करी और उनको बचाया, जिन तथ्यों को जोड़ तोड़ करके सबूतों को मिटा के तथ्यों के साथ छेड़खानी करके, ये एक बहुत गंभीर विषय सामने आया है। और आज मैं चाहूंगा कि आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर के इस जन्मदिन पे आपसे चर्चा शेयर करना चाहता हूं। इसकी कोई भी व्यक्ति डिटेल लेना चाहे मुझसे ले सकता है। बिल्कुल खौफ खत्म है अपराधियों के अंदर, उनका कहना है कि 3.5-4 साल 5 साल तो लग जाते हैं, और जो लोग एक्यूज थे थाना रानी बाग के पुलिसकर्मी, वो लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपने आप को विक्टिम बना लिया एक झूठी FIR दर्ज करके, जिसका इमेजिनरी बेस के पर जिसका कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र नहीं, कोई पब्लिक विटनेस नहीं, कोई कुछ नहीं। ये एक इनको क्योंकि कानूनी सेल है, इनको ये पता होती है हमेशा कि कैसे अपने आप को बचाना है। या तो ये जब किसी आदमी से इन्फ्लुएंस होता है तो ये क्रॉस केस करते हैं, यहां 17 PCR कॉल हुई, इन्होंने क्रॉस केस दर्ज नहीं किया। या इनके ज्वाइंट CP DCP ACP SHO ड्यूटी ऑफिसर मालखाना रिकॉर्ड कीपर 50 थाने के आदमी वहां मौजूद थे, किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। एडवोकेट वहां खड़े हुए हैं कानूनी अधिवक्ता, उनके साथ बदतमीजी करी जा रही है। महिलाएं खड़ी हैं, उनके साथ बदतमीजी हो रही है थाने के अंदर ACP की मौजूदगी में। ये हालत है रानीबाग थाने के पुलिसकर्मियों की। और ये सब बातें करके मेरे को और ज्यादा गंभीर
विषय और पीड़ा हो रही है। मैं आज इस दिन का इंतजार कर रहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो ये संविधान बनाया था इसके अंदर कहां ये लिखा था कि कानून इस देश के अंदर दो तरह के हैं, एक जो सरकारी वर्दी पब्लिक सर्वेंट जो कि पब्लिक की सुविधा के लिए काम करता है, वो पब्लिक सर्वेंट अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे कानून को तोड़ देता है, मरोड़ देता है, 154 सीआरपीसी में काम नहीं करता, उनके अधिकारी 154 सीआरपीसी में काम नहीं करते, कोर्ट में 156 दिन तक वो काम होने नहीं देते। ये आज एक गंभीर विषय है, मैं जरूर चाहूंगा कि ये मामला इस टाइम रोहिणी न्यायालय के अंदर पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नॉर्थ वेस्ट आदरणीय सुरेश गुप्ता जी से मेरा निवेदन रहेगा कि वो इसके अंदर जरूर संज्ञान लें और इस विषय को समझें कि कानून को जिन लोगों ने आज मजाक बना के रख दिया है उनको सबक मिलना चाहिए, समय आ गया है। संपूर्ण जांच हो और जांच के तथ्यों को बहुत शीघ्रता से, क्योंकि 39 महीने निकल चुके हैं, जितना जल्दी हो सकेगा अगर सरकार और कोर्ट अगर प्रयास करेगी हर 7 डेज की डेट लगा के तो जल्दी फैसला हो जाएगा और सच का सच, दूध का दूध और पानी का पानी हो सकेगा, जनता के सामने तक चल सकेगा और इन लोगों पर रोकथाम लगाम लगेगी। इससे सीधा सीधा आज बाबा साहब अम्बेडकर को मन में पीड़ा होती होगी, जो ऊपर से नीचे देख रहे होंगे, जो पुलिस के आदरणीय कमिश्नर है उनको पीड़ा होती है, देश के गृहमंत्री हैं उनकी इमेज खराब होती है, सेंट्रल मेटी गवर्नमेंट की इमेज खराब होती है, पुलिस की गरिमा खराब होती है, मां तीन मुट्ठी भर जो स्वार्थी और जो ये कानून को जेब में रखे, इसमें सबसे मुख्य अपराधी ऐसा ही प्रवीण जिस आदमी से आज 4 साल के अंदर उस व्यक्ति ने 6 से ज्यादा टेस्टिंग ले ली, अशोक विहार थाने से रानीबाग, रानीबाग से वो गया जनकपुरी जहांगीरपुरी, जहांगीरपुरी से गया मोरिस नगर स्पेशल स्टाफ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, वहां से बल्ली मरान चौकी थाना कोतवाली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट, वहां से अपना ये तीसियारी चौकी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट। बड़ा ही गंभीर विषय है कि एक आदमी जो अपराधी है जिसको सस्पेंड होकर जेल जाना चाहिए था, कस्टडी में जिससे पूछताछ होनी चाहिए थी, उसका दूसरा मोबाइल नंबर तक आज तक पुलिस 4-3.5 साल के अंदर कोर्ट के अंदर 3.25 साल के अंदर ला नहीं सकी और पूरा अपना गैंग चला रहा है ये आदमी और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कौन सा ऐसा अधिकारी है जो इस आदमी को ट्रांसफर पोस्टिंग दे रहा है, इसको बचा रहा है, उसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? आज मैं पुनः बाबा साहब अम्बेडकर, आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस जयंती पे उनको पहले तो अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई उनके इस कॉन्स्टिट्यूशन राइट को मानने वाले अधिकारी होंगे, राष्ट्रभक्त और जो, वो इस विषय को गंभीरता से लेंगे और इस विषय के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी कर सकेंगे। जय हिंद, जय भारत।